बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के पर्यवेक्षण गृह पूर्णिया में रह रहे बच्चों के साथ पर्यवेक्षण गृह के कर्मियों का व्यवहार व पर्यवेक्षण गृह की कमियां और खामियां का निरीक्षण करने के लिए 3 सदस्यीय टीम शनिवार को पर्यवेक्षण गृह में पहुंची और वहां का जायजा लिया। न्यायालय के निर्देशानुसार टीम के सदस्यों ने मधेपुरा के उन 9 बच्चों का हालचाल जाना जो मधेपुरा में पर्यवेक्षण गृह बनकर तैयार नहीं होने की वजह से पूर्णिया के पर्यवेक्षण गृह में रह रहे हैं। इस टीम में मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार, अरुणा कुमारी व देवेंद्र कुमार शामिल थे। मधेपुरा में मधेपुरा के जो बच्चे हैं ना, हम लोग वहाँ यहाँ देखने के लिए किस तरह से रहते हैं, खाना पीना कैसा दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई होता है कि सही होता है कि नहीं, कैसे रखा जाता है बच्चों को, है ना। तो इसी सिलसिले में हम लोग को देखना है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हम लोगों के पास कि भाई बच्चों को देखना है ठीक से वहाँ रखा जा रहा है कि नहीं। तो इसी सिलसिले में हम लोग सब लगाए हैं, 2 मेंबर भी मेरे हैं, है ना, वो सब हम लोग मिल करके आए हुए हैं, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है ना। और देख करके तो बहुत संतुष्ट हुए हम लोग, है ना, सब लोग सेटिस्फैक्शन में है कि वातावरण भी बहुत अच्छा है, स्कूल का भी माहौल देख रहे हैं, मेस भी देखे वहाँ भी अच्छा है, बच्चे लोग का बेड भी देखे, है ना, सब कुछ अच्छा है, है ना। और जो कुछ खामियां है उसे बोला गया है कि भाई थोड़ा सा, है ना, अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए, है ना। खामियां क्या है सर? खामियां में ऐसा कुछ है नहीं, है ना, जहाँ कहीं कहीं देखे कि एक पंखा नहीं है, बिजली का थोड़ा सा, है ना, तो वो बोल दिया है कि 1-2 दिन में सुधार देंगे और बाकी सब ठीक है। कितने सदस्य टीम आप लोग यहाँ पे हैं सर? हम लोग 3 हैं, क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन होम खुला नहीं है मधेपुरा में, है ना, और बन करके तैयार है, है ना, सब कुछ हो गया है, है ना, बस सभी बच्चे वहाँ चले जाएंगे। 9 बच्चे मधेपुरा के 9 बच्चे मधेपुरा के वापस वहाँ चले जाएंगे। हाँ, अब वहाँ ऑब्जर्वेशन होम बनेगा ना, शिफ्ट कर जाएंगे, वही शिफ्ट कर